हाँ बच्चों नमस्कार, बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट आता है ZW एंड द ZZ पैटर्न ऑफ द सिक्स डिटरमिनेशन, और बोलते हैं इसको ZW ZZ पैटर्न ऑफ द लिंग निर्धारण का पैटर्न बोलते हैं वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो फीमेल, तो फीमेल जो होती है हेट्रोगैमेटिक होती है वो, फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है वो, और जो मेल होता है वो मेल जो होता है होमोगैमेटिक टाइप होता है वो, होमोगैमेटिक टाइप होता है वो। अच्छा, अब आती है कि ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न जो है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है वो। बर्ड्स को रखा गया है क्लास एस एवी रखा गया है वो, और रेप्टाइल्स में ऐसे एनिमल आते हैं जो कि क्रीपिंग माने रेप कर सकते हैं वो, जैसे कि इसमें टर्टल्स, टर्टल्स, मगरमच्छ, स्नेक्स, ये सब जो होता है रेप्टाइल्स में आते हैं वो, और बर्ड्स में पिजन, पैरट, ये सब आते हैं वो। तो अब आते हैं कि इसका जो फीमेल होता है होती है वह हेट्रोगैमेटिक होती है वो। हेट्रोगैमेटिक माने क्या होता है कि इसमें दो टाइप गैमेट बनता है वो, दो टाइप का इसमें गैमेट बनता है वो। अच्छा, इसको बोलते हैं AA+ZZ, और इसको मतलब इसको जो होता है हम कह सकते हैं AA+ZW, और इसको हम कह सकते हैं AA+ZZ कह सकते हैं जो है वो। तो ए जो होता है इसको ऑटोसोम बोलते हैं वो, और ए भी ऑटोसोम कहलाता है वो। अब आती है कि इसमें जो गैमेट होता है दो टाइप बनते हैं वो, एक होती है A+Z, और जो दूसरा गैमेट होता है ए बन जाती है A+W। तो ए जो होता है इसको ओवा बोलते हैं वो, और ए दोनों जो होता है माने A+Z हो गया और A+W हो गया, और यहां से भी दो टाइप गैमेट बन जाएगा, एक हो जाएगा A+Z और सेकंड होता है A+Z। इसमें दोनों गैमेट जो होता है वो समान प्रकार के होते हैं वो, माने ए जो है इसको मेल गैमेट या इसको स्पर्म कहते हैं वो। अब आती है कि जब ए इससे क्रॉस करेगा, तो माने थोड़ा सा इसको स्टेप कर देते हैं, A+Z जिसको कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि A+Z और A+W कर देंगे जो है वो, थोड़ा इस टाइप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए A+Z, तो ए हो जाएगा A A+ZW, और ए हो जाएगी फीमेल हो जाएगी जो है वो, और ए इसी जब क्रॉस करेगा तो हो जाएगा A A+ZW, और ए भी फीमेल हो जाएगी जो है वो, और ए जब इसे क्रॉस करेगा तो ए हो जाएगा A A+ZZ, और ए हो जाएगा मेल हो जाएगा जो है वो, मेल, चूंकि ये भी मेल है ये, और ए वाला जब इसे क्रॉस करेगा तो ए हो जाएगा A A+ZZ, माने ए क्या हो जाएगा, ए भी मेल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माने 50% मेल हो गया और 50% जो होता फीमेल होता है वो। तो ए बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ए पैटर्न पाया जाता है वो। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है Z0+ZZ पैटर्न ऑफ
पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो होती है ए प्लस ए, ए प्लस जेड जीरो, ये तो हो गया फीमेल का हो गया, और जो मेल होता है वह ए ए प्लस जेड जेड होता जो है वो, और एक इसका हो गया मेल का हो गया जो है वो। अब आती है कि इसमें दो टाइप के गैमेट बनेंगे जो है वो, एक टाइप गैमेट हो जाएगा ए प्लस जेड हो जाएगा जो है वो गैमेट का, और सेकंड गैमेट हो जाएगा ए प्लस जीरो गैमेट हो जाएगा जो है वो, ये हो जाएगा गैमेट, माने ये दोनों हो जाए गैमेट हो जाएंगे। और इसके बाद इससे भी जो टाइप गैमेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड जेड है तो होमोगैमेटिक हो जाएगी जो है वो, इसका जो मेल होता है वह होमोगैमेटिक होता है वो, तो ए हो जाएगा ए प्लस जेड, और यहाँ पर ए हो जाएगा ए प्लस जेड हो जाएगा जो है वो, तो ए जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब जब ए से क्रॉस करेगा तो ए हो जाएगा ए ए प्लस जेड जीरो, माने ए बन जाएगा फीमेल, और ए से जब क्रॉस करेगा तो ए हो जाएगा ए ए प्लस जेड जीरो, और ए भी हो जाएगा फीमेल। ए जब इससे क्रॉस करेगा तो ए हो जाएगा ए ए प्लस जेड जेड, और ए हो जाएगा मेल, क्योंकि इसमें जेड जेड जो होता है ये मेल के लिए होता है, और जेड जीरो जो होता है ए जो होता है क्या बोलते हैं कि फीमेल के लिए होता जो है वो। और इसके बाद ए जब इससे क्रॉस करेगा तो ए हो जाएगा ए ए, ए माने ऑटोसोम होता है, और प्लस जेड जेड, और ए हो जाएगा, ए हो जाएगा मेल हो जाएगा। तो अब आती है कि ए जो होता है, जो आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोड, ए किसे मिलता है पैटर्न, तो ए पैटर्न जो मिलता है फाइलम आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में जैसे कि तितली हो गई जो है वो, तितली और पतंगा माने बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और पतंगा, पतंगे जो होते माने जो कीट पतंगे होते हैं जिनको आर्थ्रोपोड्स माने फाइलम आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडम रखा गया है वो, उनमें जो होता है जेड जीरो और प्लस जेड जेड पैटर्न जो है ये मिलता है वो। तो इतना रहा इसके बारे में जो है वो, इसको बोलते हैं जेड जीरो और प्लस जेड जेड पैटर्न, तो आर्थ्रोपोड्स में इस टाइप का पैटर्न मिलता है वो। नेक्स्ट होता है गाइनेंड्रोमास, 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 गाइनेंड्रोमास में क्या होता है कि एक एनिमल होता है उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला, ड्रासो, ड्रासोफिला, असल में ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर, ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर, इसको क्वीन ऑफ जेंटिस कहा गया है वो, क्योंकि जेंटिस पर अधिकांश जो है रिसर्च इसी पर किए गए हैं। अब आती है कि ड्रासोफिला जो है इसको, जिसे कि क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, इसी को क्वीन ऑफ जेंटिस कहा गया जो है वो। अब कि इस केस में क्या होता है कि जिस समय ड्रासोफिला जो होती है इसका आधा शरीर माने हाफ बॉडी मेल का मिले और हाफ बॉडी फीमेल का मिले जो है वो, माने हाफ बॉडी मेल का हो और हाफ बॉडी फीमेल का हो, तो उस कंडीशन को इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गाइनेंड्रोमास बोलते हैं। तो गाइनेंड्रोमास वो कंडीशन होती है जिसमें हाफ बॉडी मेल का हो
और हाफ बॉडी फीमेल का हो उसको क्या बोलते हैं वो गायनेंड्रोमॉर्फ बोलते हैं वो। अब आता है कि एक टर्म होता है डेंटिस्ट में उसको बोलते हैं फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन्स, फ्री मार्टिन्स। फ्री मार्टिन्स में क्या होता है कि फ्री मार्टिन वह कंडीशन होती है जिस समय रूमिनेंट्स माने जो चौपाए होते हैं जो है वो, जैसे कि इसमें जो होता है काऊ हो गया, काऊ बफेलो, उसमें जो है यह फ्री मार्टिन दिखाई पड़ता है वो। इस केस में क्या होता है कि जिस समय वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो काऊ और बफेलो होती है उसमें एक गेस्टेशन पीरियड में मोस्टली एक बच्चे का ही जन्म होता है जो है वो, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन नॉर्मली कभी कभार क्या होता है काऊ बफेलो में उसमें क्या होता है कि जब ट्विंस बन जाते हैं माने जब पेयर्स में बच्चे हों, माने पेयर्स में हो माने और उसमें पेयर्स में भी एक मेल हो और उसमें बच्चे में एक फीमेल हो, तो उसमें क्या होता है जिस समय गर्भाशय माने यूट्रस में काऊ या बफेलो के यूट्रस में जिस समय मेल और फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो, जैसे मान लीजिए कि ए मेल हो गया और मान लीजिए कि ए फीमेल हो गया, मेल फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा जो है वो, तो मेल वाले हार्मोन जो होते हैं वह थ्रू द ब्लड सेल और ब्लड के माध्यम से ए मेल हार्मोन जो होते हैं फीमेल में पहुंच फीमेल एम्ब्रियो पहुंच जाते हैं वो, माने मेल एम्ब्रियो का मेल से मेल एम्ब्रियो का जो मेल हार्मोन होता है माने जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह पहुंच जाता है फीमेल पहुंच जाता है वो। तो उस केस में क्या होता है कि मेल तो नॉर्मल पैदा होता है वो, लेकिन एक जो हार्मोन मेल से फीमेल एम्ब्रियो पहुंचा है इससे क्या होता है कि जो जब फीमेल एक बच्चा निकलेगा और यह जो फीमेल बच्चा होता है वह जो होता है नॉन फर्टाइल माने स्टराइल बन जाती है वो, तो माने मेल तो नॉर्मल होगा जो है वो माने मेल फर्टाइल होगा लेकिन फीमेल जो होती है स्टराइल बन जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज द इसको क्या बोलते हैं दिस कंडीशन इज नोन एज द फ्री मार्टिन्स कहलाता है, इसको हम फ्री मार्टिन्स बोलते हैं। अगला होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हानी बी माने खास करके इसको बोलते हैं एपिस उसको बोलते हैं वो हानी बी माने मधुमक्खी, हानी बी माने इसको क्या बोलते हैं मधुमक्खी बोलते हैं वो मधुमक्खी। तो एक हानि कम जिसे है वो ये मान लीजिए कि हानि कम भाई है हानि काम भाई है और इस एक हानि काम में ये क्या है ये हानि काम है वो, तो एक हानि काम में बीच में जो होता है एक बड़े आकार की जो होती है वो फीमेल होती है वो, और इस फीमेल को घेरे हुए चारों ओर जो होता है इसमें वर्कर नर्स स्काउट
तो ये सब जो होती हैं, और इसके बाद इसके चारों ओर जो होता है वो मेल मेल आर, उसको ड्रोन बोलते हैं वो, मेल आर ड्रोन बोलते हैं वो। और इस हनीकॉम्ब में फीमेल जो होती है, जैसे मान लीजिए कि एक फीमेल हो गया, एक फीमेल हो गया, तो फीमेल जो होती है एक ही और खूब बड़े आकार में दिखाई पड़ती जो है वो, फीमेल जो होती है वो खूब बड़े आकार की संख्या में एक होती है वो। तो फीमेल जो होता है वह एक ही होती है वो, और एक डिप्लॉयड, माने इसमें क्रोमोसोम की नंबर जो है 32 होता है वो, और ये डिप्लॉयड माने 2n होती है वो। अब आती है कि जो वर्कर और नर्स स्काउट गाइड भी होते हैं ये भी 2n होते हैं वो, माने ये क्या होता है, ये डिप्लॉयड होती है वो, डिप्लॉयड। अब आती है कि इसका जो मेल होता है वो, मेल जो होता है हैप्लॉयड होता है वो, मेल जो है वो क्या है, हैप्लॉयड है वो, और हैप्लॉयड माने उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होती है 16 होता है वो। और मेल और ड्रोन जो होता है उसमें, तो उसमें जो होता है एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, और उसको बोलते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है वो। माने क्या, इसका मतलब ये होता है कि जो फीमेल होती है ये दो प्रकार के अंडे को प्रोड्यूस करती है वो, दो प्रकार के अंडे को एक फीमेल देती है वो, एक एक ऐसे अंडे देती है, एक ऐसे अंडे देती है जो कि फर्टिलाइज एक होता है वो, एक फर्टिलाइज एग होता है वो। और इस फर्टिलाइज एग से एक फीमेल, माने अच्छा फर्टिलाइज जो एग होता है, एक तो ऐसा एग होता है जिसको कि रॉयल जेली, इसको रॉयल जेली खिलाई जाती है वो, रॉयल जेली खिलाते हैं, और इससे फीमेल माने इससे क्वीन बन जाती जो है वो, और खूब बड़े आकार की होती है और शहंशाह होती है वो। और एक जो फर्टिला और एक डिप्लॉयड होती है वो, जिसमें क्रोमोजोम जो होता है वो 32 होती है वो, और सेकंड फर्टिलाइज्ड एग से इसे वर्कर और नर्स नर्स और स्काउट गाइड ये सब बन जाते हैं। तो वर्कर जो होता है, वर्कर नर्स और स्काउट, तो ये जो तीनों होते हैं, तो स्काउट क्या काम करता है, ये तो वही फूलों से क्या करता है, नेक्टर को कलेक्ट काम करता जो है वो। नर्स क्या काम करती है, रानी की देखभाल करना, अंडों को माने की कक्ष में रखना। और वर्कर क्या करते हैं, माने कि सोल्जर वर्कर ये सब जो होते हैं, ए बाहर से छत्ते पर कोई बाहरी से मधुमक्खी ना आ जाए तो उससे बाहरी मधुमक्खी से छत्ते को सेव करने का काम करते हैं। तो अब आती है कि ये जो तीनों प्रकार के होते हैं इनका भी निर्माण फर्टिलाइज एग से होता है वो, और ये सब फीमेल होते हैं वो, ये सारे फीमेल होते हैं वो, लेकिन फीमेल होते हुए भी ये लोग स्टराइल होते हैं वो। स्टराइल माने क्या, मतलब कि एक बच्चे को पैदा नहीं कर पाते हैं वो। अब आती है कि और सेकंड क्या होता है, सेकंड जो होता है एक दूसरे प्रकार का एग होता है वो, और उसको बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग, वो कहलाता है अनफर्टिलाइज्ड एग। और इस अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है इसमें नेचुरल नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस,
पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, माने अंडा है तो अंडे से बिना निषेचन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ये पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, वो एक नेचुरल होता है, सेकंड आर्टिफिशियल होता है। वो तो नेचुरल में क्या होता है, बिना स्पर्म से फ्यूजन किए हुए ही एक जो होता है, इसी से माने जो बी होते हैं, हनी बी होता है, उसमें नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होता है वो। और उस केस में क्या होता है कि जो एग होता है यह बिना स्पर्म से फ्यूजन किए ही यह मेल बन जाता है वो। और यह फिनोमेना जो होती है, और इसको बोलते हैं एरेंटोकी बोलते हैं वो, माने एक फिनोमेना जो होती है इसको एरेंटोकी कहलाती है वो। तो एग जो होता है इसको क्या बोलते हैं, माने दो प्रकार का हो गया, एक फर्टिलाइज हो गया और एक अनफर्टिलाइज। और जो मेल होता है ये हाइब्रिड होता है, इसको मेल और इसको ड्रोन बोलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है यन बराबर 16 होता है, जो कि मेल ड्रोन होता है उनका 16 होता है। और इसका सिर्फ एक काम है कि ये फर्टिलाइजेशन माने स्वार्मिंग होती है, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं स्वार्मिंग। तो स्वार्मिंग के तहत जुलाई अगस्त महीने में फीमेल छत्ते से जो होती है क्वीन एक बार आसमान उड़ेगी और उसके पीछे छत्ते से 100-150 मेल और ड्रोन जो होते हैं वह पीछे पीछे लग लेते हैं वो। और आसमान में ही मेल जो होता है फीमेल से क्रॉस करता है वो, बस एक ही बार जो है वो लाइफ में जो है वो। और इसके बाद फीमेल जो होती है वह सीमन को इकट्ठा कर लेती है वो स्पर्मेथिका में, एक होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका में उसको कलेक्ट कर लेती है। और कलेक्ट करके उसे जो होता है क्या मतलब कि उसमें फीमेल और मतलब फर्टिलाइज एक से एम्ब्रियो का वो फॉर्मेशन करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हाइप्लॉयड डिप्लॉयडी, इसको बोलते हैं हाइप्लॉयड डिप्लॉयड इसको बोलते हैं। और जो एक नाम है उसको क्या एरेंटोकी बोलते हैं वो। इतना ये पैटर्न हुआ। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट ट्विंस, जुड़वा ट्विंस। तो जुड़वा वैसे नॉर्मल केस में क्या होता है कि एक बच्चे से माने जिसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक हो गया और यहां पर क्या हो गया स्पर्म हो गया जो है। तो एक और एक स्पर्म जो होता है यह फर्टिलाइजेशन माने निषेचन करके जो होता है एक जायगोट माने युग्मनज 2N का निर्माण करते हैं। लेकिन ट्विंस में थोड़ी सी कहानी उसकी अलग होती है वो। और ट्विंस जो जुड़वा होते हैं वह तीन प्रकार से होते जो है वो। नंबर वन होता है फ्रेटर्नल ट्विंस आर डाई जाइगोटिक ट्विंस नंबर वन। और नंबर सेकेंड
मोनोजाइगोटिक माने आइडेंटिकल ट्विंस आर डाइजाइगोटिक ट्विन आर मोनो आइडेंटिकल ट्विंस और नंबर थर्ड सियामीज ट्विंस ट्विंस तो नंबर वन फ्रेटर्नल ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस तो फ्रेटर्नल ट्विंस और उसको क्या बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस तो फ्रेटर्नल ट्विंस फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि जिस समय जैसे मान लीजिए कि एक ओवम हो गया एओबम हुआ और एओबम हुआ एक ओबम से उसे मोस्टली क्या होता है एक ही ओबम बनता है लेकिन कभी कभार दो ओबम होता है और दोनों ओबम से अलग अलग शुक्राणु ने फर्टिलाइजेशन किया और फ्यूजन के बाद इसमें क्या हो गया कि जायगोट बना ये जायगोट बना माने ये क्या हो गया ओबम हो गया जो है और ये क्या हो गया स्पर्म हो गया जो है वो और ये क्या हो गया जायगोट हो गया जो है वो अच्छा इसके बाद क्या होता है जायगोट बना इसके बाद जायगोट जो होता है फिर क्लीवेज कर दिया जो है वो और क्लीवेज करने के बाद दोनों चाहे बॉय बन गए माने बोथ आर द बॉयज बॉय माने बोथ मेल हो गए या उसमें से एक मेल एक फीमेल हो गया या दोनों फीमेल हो गए माने दोनों कर सकते हैं बोथ मेल हो गया या बोथ फीमेल हो गए या वन मेल या फीमेल हो गया तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक माने इसमें दो जायगोट बन जाते हैं अलग अलग जायगोट बन जाते हैं जो है और दोनों का लिंग सेम या दोनों का लिंग जो होता है वो अलग अलग हो सकता है और इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल और द डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाता है जो थैंक यू।